तो दोस्त, मैं आलोक, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ब्रेकिंग न्यूज़, इन किसानों का रुकेगा गिरावा, किस्त जल्द करे काम। मेरे दोस्त, अगर आप KYC करवा चुके हैं और अगर आप इस वेबसाइट के माध्यम से जानकारी नहीं लिए तो हो सकता है आपका जो KYC है कैंसिल हो जाए और आपका गिरावा किस्त ना आए। तो चलो दोस्तों, सच्चाई क्या है आगे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना कि अपने क्रोम ब्राउजर में आ जानी है और PM किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको करना क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कल वाले वीडियो में मैंने पूरी डिटेल्स में समझा रखी है पेमेंट स्टेटस क्या है, आधार स्टेटस क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बताने वाला हूँ, अगर आप KYC करवा चुके हैं, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप इसे एक्सेप्ट करें यानी स्वीकृत कैसे करवाएंगे। तो दोस्तों, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते मैं आपको यहाँ स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ जो आपकी आज जिस टॉपिक पर बात होगी दोस्तों, आधार स्टेटस। अगर आप KYC करवा चुके हैं तो आधार स्टेटस यहाँ से सिंपली जानकारी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गांव कितने हैं फार्म रजिस्टर्ड, 459, जिसमें से 392 लोगों ने KYC करवा चुके हैं, जिसमें से 7 लोग का फॉर्म क्या है दोस्तों, रिजेक्ट हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि अब जिन लोग का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ उन लोग का PM किसान का फंड आएगा और जिनका रिजेक्ट है उनका नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं सिंपल सबसे पहले आपको लिस्ट ये दिखा देता हूँ कि कौन लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो क्या करना है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करके स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आनी दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए लिखा है और फार्मर फॉर होम आधार इज रिजेक्ट, यानी इन किसानों का क्या है दोस्तों, आधार KYC रिजेक्ट हो गया। अब ये अपना सही कैसे करा सकते हैं, आपको क्या करना है, फिर से कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना है और वहाँ पर फिर से आपको आधार कार्ड लिंक करवानी है। दोस्तों, एक जानकारी आपको देता हूँ, देखिए लिखा है फार्मर फॉर होम आधार इज इनवैलिड, यानी इन किसानों का जो आधार कार्ड है इनवैलिड है। इसका मतलब इन लोग का जो PM किसान का पैसा है दोस्तों नहीं आएगा। तो दोस्तों, आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।